वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आयुर्वेदा के अनुसार बार्थोलिन सिस्ट किसे होता है, क्यों होता है और उसे रोकने के उपाय। जो बार्थोलिन सिस्ट है वो महिलाओं के अंदर होने वाली एक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है उस प्राइवेट पार्ट के या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड के अंदर एक सिस्ट हो जाता है। जो वो सिस्ट होता है उसके अंदर पस या मवाद भर जाता है, और वो सिस्ट कितना बड़ा है, वो कितना ज़्यादा उसके अंदर पस या मवाद है, उस पे डिपेंड करता है कि वो जो सिस्ट है वो कब बर्स्ट होगा, या तो 3 डेज में या 4 डेज के अंदर या फिर 5 डेज के अंदर। तो जो ये प्रॉब्लम है इसे बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं, और ये इस प्राइवेट पार्ट के इस एरिया में ही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर ये सिस्ट होने के कारण इसको बार्थोलिन सिस्ट कहा जाता है। अगर हम एलोपैथी में जाते हैं तो वो इसका कोई कारण नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं कि इट्स एन इन्फेक्शन और इसका कोई रीजन नहीं है, बस किसी कुछ लोगों को ये हो जाता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेदा के अंदर जाते हैं तो वो हमें प्रॉपर इसका रीजन बताते हैं। जो ये बार्थोलिन सिस्ट है ये मुझे भी लास्ट 10 ईयर से हो रहा है। साल में 2 बार तो ये होता ही था, और अभी लास्ट 14 मंथ से नहीं हुआ है। और जब मैं इसके इलाज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास में गई थी, तो फिर मैं एक आयुर्वेदा वाले डॉक्टर के पास भी गई थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बार्थोलिन सिस्ट क्यों होता है, मुझे इसका रीज़न जानना है ताकि मैं फिर वो सब काम नहीं करूं जिससे कि ये मुझे होता है, ताकि मैं इससे बच सकूं। तो बार्थोलिन सिस्ट के बारे में मुझे डॉक्टर ने बताया, आयुर्वेदा के अनुसार जो बॉडी टाइप्स हैं वो 3 तरह के दोषा से मिलकर हमारा बॉडी बना होता है, पिता दोषा, कफ दोषा एंड वात दोषा। और आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जिन लोगों को बार्थोलिन सिस्ट होता है उनके अंदर पिता दोषा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर पिता दोषा बढ़ जाता है तब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी मतलब कि हीट, ये सब हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती है। और ये सब कब पैदा होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर पिता दोष बढ़ जाता है। तो ये एक रीज़न है जो आयुर्वेद बोलता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर पिता दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पिता दोष मतलब अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे लोगों को सिस्ट होता है। पिता दोष जिन लोगों का बढ़ जाता है उनके शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हीट यानी कि गर्मी पैदा होती है, इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज, सूजन, ये सब शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पिता दोष से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के कारण बॉडी के अंदर सिस्ट बनता है। तो आयुर्वेदा ऐसा मानता है कि जिन लोगों को सिस्ट बन रहा है बार्थोलिन सिस्ट, उनका पिता दोष बढ़ा हुआ है। अब हम ये जानेंगे कि पिता दोष को हम किस तरीके से थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर पिता इम्बैलेंस है, तो हम उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं जिससे कि जो इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कम बने। तो सबसे फर्स्ट चीज है कि जिन लोगों के अंदर पिता दोष बढ़ गया है या जिनको बार्थोलिन सिस्ट बार बार हो रहा है, उनको अपने खाने के अंदर ठंडी चीजें खानी चाहिए, जैसे कि तरबूज, खीरा, नारियल पानी, नींबू पानी, इस तरह के हमें आइटम्स खाने चाहिए जिनकी जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, ठीक है। और हम लोगों को इस तरह का ड्राई फ्रूट्स जो होता है बेसिकली, तो हमें जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो हमेशा भिगो के खाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पर्सनल खुद को देखूँ ना, तो मुझे भी ड्राई फ्रूट्स और नट्स मतलब पीनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम लोगों के लिए रिकमेंड है कि जिन लोगों को बार्थोलिन सिस्ट होता है वो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को भिगो कर खाएं। हमको डायरेक्टली नट्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, और हमारे पिता दोष जिनका बड़ा हुआ है उन लोगों की बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। थर्ड चीज़ ये है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, नट्स के कंपेरेटिवली हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है और जो नट्स हैं उनकी प्रकृति गर्म होती है। तो हम लोगों को फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए और वेजिटेबल्स भी हमें ज़्यादा खानी चाहिए। वेजिटेबल्स तो हर कोई कहता है कि आप ज़्यादा खाओ,
लेकिन फ्रूट्स और नट्स के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप फ्रूट्स खाओगे अगर आपका पिता दोष बढ़ा हुआ है तो। हमारी बॉडी को गर्म पानी की जरूरत नहीं होती है, हमें गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, या तो नॉर्मल मटके का पानी पियो या फिर टैप वाटर पियो, लेकिन गर्म पानी कर करके पीना पिता दोष वालों के लिए सही नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है कि हम गर्म पानी पिए। जिन लोगों का पिता दोष बढ़ा हुआ होता है उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें अल्कोहल और कैफीन नहीं लेनी चाहिए। कैफीन का मतलब है कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, और जो चाय है वो भी बहुत ही कम पत्ती की चाय लेनी चाहिए अगर आप चाय के बिना नहीं रह सकते हो तो। पिता दोष को कम करने के लिए जो आपके जो मील्स हैं उसको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हम मील्स को स्किप करते हैं उससे भी पिता दोष बढ़ता है। अपना एक दिनचर्या होना चाहिए कि आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो। जो आप खा रहे हो वो आप चेंज कर सकते हो, बट अपना टाइमिंग्स चेंज नहीं करना चाहिए और किसी भी मील को स्किप नहीं करना चाहिए। पिता दोष वालों को पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जैसे खुद ही बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और मेरे को ये भी याद है कि जब मुझे बार्थोलिन सिस्ट होता था उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन जैसा लगता था और बहुत ज़्यादा मुझे पानी पीने का मन करता था। तो जब भी आपको कोई सिस्ट हो रहा है उस टाइम पे आपको अपने पानी का इंटेक तो इंटेंशनली बढ़ाना चाहिए अगर आपको खुद से प्यास नहीं लग रही है तो। पिता दोष वालों को स्पाइसी फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन चिली हुई, रेड चिली हुई, गरम मसाला हुआ, किसी भी तरह का किचन ग्रीन, छोले मसाले, ये सब जो हुआ ये सब हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। कम मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हमें खाना चाहिए कि ओकेजनली खा लिया। डेली बेसिस पे इतने सारे रेड चिली और ये सब स्पाइसेस हम लोगों की बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीरा और सौंफ, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन जो धनिया पाउडर है उसकी भी प्रकृति ठंडी होती है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस सब टाइम पे तो संतरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अगर आप फ्रेश संतरों का जूस पीते हो तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो पिता दोष को कम करता है। इसी तरीके से अगर हम डेली एक कोकोनट वाटर पीते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए ऑसम है। मतलब अगर आपने इतना अपनी बॉडी के लिए कर लिया तो आपका पिता दोष बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में कुछ पॉइंट्स शेयर किए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और सिस्ट बार बार बन रहे हैं तो आयुर्वेदा का उसके बारे में क्या विचार है, आयुर्वेदा क्या बोलता है कि किस तरह के लोगों को होता है, क्यों होता है, और उससे बचने के भी उपाय मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आयुर्वेदा पूरा ये मानता है कि जो हमारा बॉडी है वो पूरा खाने पीने से ही प्रभावित होता है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उसी से हमारे पूरा बॉडी बनता है। अगर आप एकदम अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे तो आपके सारे दोष अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। वही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते हैं तो उस तरह से वो दोष हमारा बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर और फिर हमें हार्म करता है। तो मैंने आपको फिजिकली तो आपको क्या खाना है वो मैंने आपको बता दिया है डाइट। तो अब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा कुछ योगा करें, प्राणायाम करें, या फिर जस्ट सिंपल सुबह सुबह जाके वॉक करें, थोड़ा सा जो सुबह होते हैं उस टाइम पे यूवी रेज भी कम होती हैं, उस टाइम पे अगर हम जाके वॉक करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सूरज की धूप से तो वैसे ही सारे इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियाज वगैरह वैसे भी मर जाते हैं, तो सूरज की धूप हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मॉर्निंग की धूप जो बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है मॉर्निंग की, तो वो भी बहुत ही अच्छा है कि अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक करके आए और उस टाइम पे आप थोड़ा सा योगा या प्राणायाम करें। सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से स्टार्ट करें। पहले आप अपने जो डाइट है उसको धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल बनाएं, फिर जब वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा तो उसके बाद में ऐसे वॉक स्टार्ट करें। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस है जो मैंने भी अपनी लाइफ में किए हैं जिसके कारण मुझे 14 मंथ से बार्थोलिन सिस्ट नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली अगर ये सब चेंजेस हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में नहीं करेंगे और बस सोचते ही रहेंगे कि हमें क्यों हो रहा है, हमें क्यों हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। फिर तो वही होगा कि हमें बार बार सिस्ट हो रहा है, या तो हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं डॉक्टर के पास में जाके, या फिर उसको 3-4 दिन पेन सह के उसमें से पस निकलवा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सब लाइफस्टाइल अपने चेंज करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके भी बार्थोलिन सिस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली कम बनेंगे। उसके अलावा मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि अगर हम स्ट्रेस कम लेते हैं तो हमें सिस्ट वगैरह भी कम बनता है।
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हमें नहीं होता है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, कई बार वो बहुत ज्यादा होता है, कई बार बहुत कम होता है। प्रॉब्लम्स तो सेम ही होती हैं, बट कई बार हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, और कई बार वो सेम प्रॉब्लम ही हमें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती और हमें कुछ स्ट्रेस नहीं होता है उस सेम प्रॉब्लम का। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमारा उस टाइम पे मूड कैसा है और हम उस स्ट्रेस को या उस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हमारी सबकी बॉडी के अंदर ना कोई वीक पॉइंट बन जाता है, जैसे किसी को कमर दर्द हो रहा है तो फिर उसको कमर दर्द ही होता है, किसी को साइनस हो रहा है तो उसको बार बार साइनस होता है, किसी को जुकाम हो रहा है तो उसे बार बार जुकाम होता है, किसी को बुखार होती है तो बुखार होता रहता है, इसी तरह से हमारी सबकी बॉडी का एक वीक पॉइंट बन जाता है। तो जैसे ही हमें बहुत ज्यादा काम का प्रेशर आता है या कोई स्ट्रेस आता है, कोई टेंशन आती है, जब भी कुछ इस तरह से हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ा जाता है या बहुत ज्यादा कुछ अनहेल्दी खाते हैं, या मेरा पर्सनल ऐसा है कि अगर जब जब भी हमारा कुछ ऐसा हिलता है ना लाइफ के अंदर, तो फिर हमारा वही जो वीक पॉइंट है ना, वही पे वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेरे को सबसे ज्यादा बालकोनी सिस्ट ही प्रॉब्लम करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि तुम सब सही कर रहे हो, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस और उसके कारण या एकदम से कुछ लाइफ के अंदर हिल गया, उस टाइम पे क्या होता है कि वापस वो बालकोनी सिस्ट हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना स्ट्रेस जो है उसको कभी भी इतना ज्यादा मत बढ़ाओ कि जो आपका बार्थोलिन सिस्ट है वो ट्रिगर हो। और इसके लिए क्या है कि अगर कुछ स्ट्रेस वगैरह ऐसा आ भी रहा है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ही नहीं होंगे, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे और हम एक अच्छा खाना पीना करेंगे, तो फिर अगर वो ट्रिगर भी होना चाहेगा बार्थोलिन सिस्ट, तो ट्रिगर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास इन्फेक्शन ही नहीं होंगे। तो ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबकी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ वीक पॉइंट बन जाता है और हमें उसको हटाना है, उस वीक पॉइंट को। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, और अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, बाय।